रिया का सपना। गर्मियों की छुट्टियां थी, पिंकी, पंकज, रिया और राघव मिलकर पूरा दिन धमा चौकड़ी मचाते थे। मौज मस्ती और शरारत, पूरा दिन उनका बस यही काम था। कभी दादी डांटती तो कभी माँ छड़ी लेकर दौड़ती, पर बच्चे तो ठहरे बच्चे, वे भला कब मानने वाले थे। एक रात बिजली चली गई, सभी बच्चे मिलकर छुपम छुपाई खेलने लगे। सारे बच्चे छुपे हुए थे, रिया सबको ढूंढ रही थी। वह किसी को ढूंढ पाती उससे पहले ही उसे एक अजीब सी चीज पार्क की ओर आती दिखाई दी। वह दौड़कर पेड़ के पीछे छुप गई। वहीं राघव भी छुपा हुआ था। राघव रिया को देखते ही उसे धप्पा करने दौड़ा। पहले से ही घबराई रिया ने राघव को मुंह पर उंगली रख चुप रहने का संकेत किया। रिया ने इशारे से वह अजीब सी चीज राघव को भी दिखाई। बहुत देर तक जब रिया ने किसी को न ढूंढा तो सब बाहर आ गए। सब ने उस अजीब सी चीज को देखा। वे भी भागकर रिया और राघव के साथ झाड़ियों में छुप गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह तो उड़न तश्तरी जैसा कुछ दिख रहा है। उस उड़न तश्तरी जैसी दिखने वाली चीज से कुछ लोग बाहर निकले। वे छोटे छोटे रोबोट जैसे दिख रहे थे। वे रोबोट उनकी ओर ही बढ़ने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर बच्चे डरकर भागने लगे। रोबोट भी पीछे पीछे भागे। एक रोबोट बोला, रुको रुको, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमसे डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनकी बात सुनकर बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रुक गए। वे डरे सहमे से एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। एक रोबोट बोला, डरो मत, हम एलियंस हैं, दूसरे ग्रह से आए हैं, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। एलियन की मीठी बातें सुनकर बच्चों का डर दूर हो गया। रिया बोली, हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, पर आपको हमें अपना ग्रह दिखाना होगा। रोबोट तैयार हो गए और उन्होंने बच्चों को उड़न तश्तरी में बिठा लिया। सभी दूसरे ग्रह पहुंच गए। वहां पहुंचकर बच्चे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वे किसी जादुई लोक में पहुंच गए हैं। वहां हर काम पलक झपकते ही हो जाता था। एक एलियन ने बच्चों से पूछा, कुछ खाओगे? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। रोबोट ने अपनी जेब से एक कैप्सूल निकालकर थाली में खोला। तुरंत विभिन्न प्रकार के व्यंजन हाजिर हो गए। बच्चों ने खूब जमकर खाया। यह खाना धरती के खाने से अलग होने पर भी बहुत स्वादिष्ट था। एलियंस चुटकी बजाते तो एक साथ पूरा कक्ष प्रकाश से जगमगा उठता। वहां के पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदियां सब धरती से अलग थे। चारों ओर जादुई सुंदरता बिखरी हुई थी। एक एलियन ने उन्हें चमकता हुआ एक लाल पत्थर दिखाया। वह बोला, इसे छूकर हम जो भी इच्छा करें वो पूरी होती है। रिया उसे छूकर बोली, हमें कभी भी कोई ना डांटे, हम जो भी चाहे वह करे। रिया, रिया उठो, सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोती रहोगी? रिया माँ की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठी। माँ उसे डांट रही थी। रिया समझ गई कि वह सपना देख रही थी। माँ को डांटता देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन सोचा, काश यह सपना पूरा हो जाता। और इसी के साथ वह उठकर खड़ी हो गई।